आज इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत की कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है शनि प्रदोष व्रत कथा और शनि प्रदोष व्रत के दिन किए गए कोई भी कार्य लाख गुना फल प्रदान करते हैं। शनि प्रदोष व्रत अपने आप में दुर्लभ कहा गया है। रोग, कर्ज, विवाह, संतान, सुख प्रदान करने वाला इस व्रत को कहा जाता है। व्रत नहीं भी किया है ना तो भी इस व्रत को करने से जीवन में महादेव सब कुछ प्रदान करते हैं और सभी तरह के कष्ट निवारण कर देते हैं। देर न करते हुए आप सभी मेरे साथ जो है प्रभु मंत्रों का स्मरण करते हुए कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शन शनिश्चराय नमः, जय शनिदेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आरंभ करते हैं आज की कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा में बताया गया है कि एक ब्राह्मण परिवार था जो गरीबी में दिन गुजार रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर साडिल्य मुनि के पास गई। ऋषि से अपना हाल बताते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहा है। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजपुत्र है जो राजपाट छिन जाने के बाद से मेरे पास ही रह रहा है। इनका नाम धर्म है और छोटा पुत्र सूचीव्रत है। हमें कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारी गरीबी, हमारी लाचारी, हमारे रोग दोष कष्ट मिट जाए। मुनि ने उनकी सब स्थिति जानकर शनि प्रदोष व्रत करने को उन्हें सुझाव दिया। इस व्रत को आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन जो है छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश मिला। कुछ दिनों बाद बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात एक गंधर्व कन्या से हुई। दोनों एक दूसरे के प्रेम में मोहित हो उठे। कन्या ने बताया कि वह विद्रीवक नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमती है। विद्रीवक के भगवान शिव के आदेश पर अपनी पुत्री का अंशुमती के का विवाह जो है राजकुमार धर्म से करवा दिया और राजपाट प्राप्त करने में उसकी सहायता प्रदान की। इस कारण शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने से और शिव की आराधना और विशेष रूप से प्रदोष के व्रत जिस कामना से करते हैं व्यक्ति को सब कुछ जीवन में प्रदान हो जाता है। शनि संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष करने से मनुष्य के वैभव मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। शनि प्रदोष में पूरे दिन निराहार रहा जाता है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला होता है उस समय सफ़ेद वस्त्र धारण के भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों और बेलपत्र से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। शिव जी की पूजा के बाद आरती भजन करें जिससे कि शिव जी भक्त की मनोकामना पूर्ण करें। शनिवार होने की वजह से इस दिन व्रती को शनि महाराज के निमित्त पीपल वृक्ष में जल देना चाहिए। शनि स्रोत और शनि चालीसा का पाठ भी करना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार शनि प्रदोष के साथ पुष्य नक्षत्र भी हो रहा है जो कि अपने आप में विशेष हो रहा है। शनिवार की जो प्रदोष होती है वह अपने आप में दुर्लभ होती है। ऐसे में शास्त्रों में कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है उसका विशेष महत्व कहा गया है। तो आप सभी को भी आज शनि प्रदोष व्रत के भी दिन जो है बहुत प्रेमपूर्वक से महादेव और शनिदेव का पूजन करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर शाम के समय में आप सभी को एक जो है सरसों के तेल का दीपक जिसमें आप सभी को थोड़ा सा काले तिल मिश्रित करते हैं और शनि मंदिर में जाकर ओम शन शनिश्चराय नमो नमः कहते हुए गोल बत्ती का दीपक लगाना है। साथ ही पीपल वृक्ष में भी आज शाम के समय आप सभी को बड़े प्रेम पूर्वक दीपक यहाँ पर भी पीपल वृक्ष की जड़ में आपको प्रज्वलित करना है। पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करने से दीपक शनि संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आज कोई भिक्षुक अगर आपके द्वार पर सरसों का तेल मांगने आए या काले वस्त्रों का दान करने को कहे तो जरूर से कीजिएगा। अपनी क्षमता अनुसार आज काले तिल, काला तेल है सरसों का और काली वस्तु जैसे उड़द की दाल इत्यादि दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। खास साथ ही शनिवार के दिन महादेव पर जो है काले तिल समर्पित करना भी रोग दोष कष्ट के लिए सहायक माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत अपने आप में दुर्लभ है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय पूजा पाठ बहुत फल देने वाली मानी जाती है। आज शनि प्रदोष के शाम को जो है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद यह प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस समय आप सभी विशेष सेवा अर्चना करने का प्रयास करें। निश्चित ही भगवान आप सभी का बहुत सारा कल्याण करेंगे और जीवन में आप जो चाहें वह प्राप्त कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आज काली वस्तुएं घर में ना खरीदें जैसे कि लोहे की और सरसों का तेल इत्यादि, बैगन इत्यादि भी पूर्ण रूप से आज
खाना वर्जित माना गया है। साथ ही सरसों के तेल का जो है कई तरह के उपाय आज के दिन किए जाते हैं, जिसमें से कई चीज़ें जो है कही गई हैं, जैसे कि सरसों का तेल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना या शनि मंदिर में दान करवाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए यह कथा उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।